ठीक, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय हमीद इज 9 किलोमीटर इन 1 आवर, एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अख्तर इन 1 आवर ही कंप्लीट्स 12 किलोमीटर। आई हैव टू फाइंड द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ हमीद टू द स्पीड ऑफ अख्तर। तो स्पीड क्या होता है? स्पीड डिस्टेंस कवर्ड इन एन आवर। तो स्पीड ऑफ हमीद क्या हो जाएगी? 9 किलोमीटर पर आवर। इसी तरह से स्पीड ऑफ अख्तर हो जाएगी आपके पास 12 किलोमीटर पर आवर ना। आपने पढ़ा भी होगा साइंस में, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। इफ टाइम इज इक्वल टू 1 मैं यहां रख देता हूं, तो इसका मतलब क्या है? स्पीड पर यूनिट टाइम, स्पीड पर किलोमीटर, द डिस्टेंस कवर्ड पर किलोमीटर इज कॉल्ड द स्पीड। तो अब आपको जो पूछा है वो आप निकाल सकते हैं। रेशियो रिक्वायर्ड लिख देते हैं, पूरा न लिख के हम इतना ही लिख देते हैं। रेशियो क्या रिक्वायर्ड है? रेशियो ये रिक्वायर्ड है कि हमीद की स्पीड का अख्तर की स्पीड से रेशियो निकालना है। तो दैट इज 3:9:2, तो आपने पिछले क्लास में भी इसको कंप्लीट किया था। 3:4, 3:4 इन दोनों के स्पीड का रेशियो, हमीद की स्पीड से अख्तर की स्पीड का रेशियो इज 3:4। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? फिर इन द ब्लैंक्स कंप्लीट करना है आप। 15/18 इज इक्वल टू है आपके पास, ये मिसिंग है, तो आप जो रिलेशन इनके बीच में आया, ठीक है ना, जो रिलेशन इन दोनों के बीच में है 15/18 में, को आप समथिंग अपॉन 6 लिखना चाह रहे हैं। तो 18/3 = 6, तो 15/3 आई विल राइट हियर, तो 5/6 है ना। इसी तरह से यहाँ पर आ गया 5 का डबल ट्वाइस किया रेशियो में, न्यूमरेटर में तो उतना है, डिनोमिनेटर में भी किया, तो 12 हो गया। इसी तरह से 6 5 30 5 5 25 है। तो आप देख रहे होंगे ये सारे ही रेशियोज 10/12 और 25/30, ये सब इक्विवेलेंट रेशियोज हैं। यस दे आर इक्विवेलेंट रेशियो। द आंसर फॉर दिस व्हाई? बिकॉज इन सब का सिंप्लीफाइड फॉर्म 5/6 ही रहेगा, इसीलिए ये आपके इक्विवेलेंट रेशियोज हैं। आपने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में पढ़ा है, तो इसको हम रेशियो भी कहते हैं। ठीक हो गया। व्हेन ऑल द फ्रैक्शंस और रेशियोज हैव द सेम सिंपलेस्ट फॉर्म, हियर इन दिस केस दिस वन, देन ऑल द फ्रैक्शंस और ऑल द रेशियोज आर कॉल्ड इक्विवेलेंट रेशियो, समतुल्य अनुपात, दैट इज इन हिंदी, हिंदी में बोलते हैं समतुल्य अनुपात। ठीक हो गया। यानी कि सबका जो सिंपल फॉर्म है एक ही है सारा है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। तो जैसा कि मैं अभी डिस्कस कर रहा था कि रिमेंबर ऑलवेज, व्हाट डू वी हैव टू रिमेंबर? ऑलवेज रिमेंबर, व्हाट वी हैव टू रिमेंबर, कि व्हेनेवर रेशियो इज टेकन आउट, यूनिट शुड बी सेम। व्हाइल रेशियो, जब हम रेशियो को लेते हैं या फाइंड आउट करते हैं रेशियो, तो यूनिट्स दोनों क्वांटिटीज का सेम होना चाहिए, हमेशा याद रखना है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन को आपने सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड द रेशियो ऑफ 81:108। तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। रेशियो ऑफ 81:108 सिंपली आप क्या करेंगे, ऑफ किसका? ऑफ 81:108। तो सिंपली अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर इसको आप कैंसिल करेंगे, एक कॉमन फैक्टर से आप कैंसिल करेंगे। 9 9 81, and 9 × 12 is 108. Then again you can say 9 3 3 are 9 and 3 4 are 12, so that is what, 3:4, or simply write 3:4. If my voice is not coming, you kindly go in the network place. Now kindly don't interrupt in between. Ratio of 98:63. So 98/63. अब आप बताइए कैसे कैंसिल होगा? 7 से देखिए, 7 9 = 63, 7 × 14 = 98. तो 14:9 आपका आंसर आ गया। सी पार्ट, रेशियो ऑफ 33 किलोमीटर = 121 किलोमीटर। सिंपली क्या कहेंगे, 33/21, 11 3 = 33 एंड 11 11 = 121, 3:11।
ठीक हो गया। इस तरह से आपको भी क्वेश्चन करना है, ठीक। अगर आपको ये समझ में आया हो ये क्वेश्चन, तो बेटा आप चैट बॉक्स में यस टाइप करिए, चैट बॉक्स में यस टाइप करिए। इफ यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन टाइप यस सर। क्षितिज चमटा, भूपेंद्र सिंह, यस यस ओके। तो इस वाले क्वेश्चन को मैं छोड़ दे रहा हूँ आपके लिए, ठीक है। ये होमवर्क हो जाएगा, आप इसको कर लेंगे बड़ी आसानी से। अभी चाहे तो अभी भी आंसर इसका बता सकते हैं। 30 मिनट्स का रेशियो, 45 मिनट से रेशियो ऑफ 30 मिनट्स टू 45 मिनट्स। फटाफट से इसका आंसर चैट बॉक्स पे लिखिए बेटा। प्रियांशु सिंह, बेटर ज्वाइन द क्लास ऑन टाइम सो यू विल अंडरस्टैंड द थिंग्स। ओके ठीक है, तो अब आप देखिए 30 को 30 का 45 से रेशियो निकालेंगे आप, है ना। तो कितना आया आंसर? 67 तो नहीं आया बेटा, सिक्स रेशियो सेवन इज नॉट द करेक्ट आंसर, इट सीम्स 2:3। ओके है ना, 7 times तो कोई भी नंबर का 7 times 45 तो नहीं होता है बेटा। तो देखो आप खुद देखो, 15 to 30, 15 to 45, 2:3, 2:3 आपका आंसर आया, बिल्कुल ठीक। ठीक है, हियर यू करेक्ट इट, नो प्रॉब्लम। मिस्टेक्स डू हैपन, बट वी लर्न फ्रॉम आवर मिस्टेक्स। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। प्रियांशु सिंह, आप अपना माइक ऑन करें बेटा और बताइए क्या समझ में नहीं आया है। बोलो बेटा, बताओ क्या समझ में नहीं आया है, बोलो। सर ये जो अभी आपने बताया, क्या बताया था मैंने? रेशियो तो बताया था बेटा मैंने। जब आप एक चीज का रेशियो, जैसे यहाँ पर देखो, दोबारा से देख लो, रेशियो ऑफ किसका रेशियो, 30 मिनट्स का रेशियो आपको किससे, यानी कि टू किससे निकालना है। तो याद रखिए हमेशा कि जब भी आप रेशियो निकालेंगे तो किसका, दैट वन विल बी इन द न्यूमरेटर, ठीक हो गया, डिवाइडेड बाय टू व्हाट, किसके साथ रेशियो निकालना है, तो वो आपका नंबर नीचे आएगा, ठीक हो गया। तो अब आप देखिए यहाँ पर जब रेशियो निकाल रहे हैं हम, किसका, 30 मिनट्स का रेशियो 1 आवर से निकाल रहे हैं। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किया है बेटा कि जब भी आप रेशियो निकालेंगे तो रेशियो की यूनिट, जो क्वांटिटीज होंगी रेशियो में, वो क्या होनी चाहिए, सेम यूनिट होनी चाहिए। तो 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स। तो हमने क्या किया, यूनिट सेम कर दिया, या तो आप चाहे मिनट को आवर्स में चेंज कर लीजिए या आवर्स को मिनट में, यूनिट आपकी सेम हो गई, तो सेम यूनिट कैंसिल हो जाती है। नहीं, 30 तो होता है 30 मिनट, है ना। तो इस तरह से हमेशा याद रखिए क्या, कि यूनिट आपकी सेम रखनी है, यूनिट अगर आप सेम नहीं रखेंगे, ठीक है। प्रियांशु एक एग्जांपल और देखिए बेटा, 40 सेंटीमीटर का 1.5 मीटर से रेशियो निकालना है, किसका, 40 सेंटीमीटर का 1.5 मीटर से, ऑफ 40 सेंटीमीटर, रेशियो ऑफ 40 सेंटीमीटर टू 1.5 मीटर। तो आपने ऐसे लिख लिया इसको, 40 सेंटीमीटर का 1.5 मीटर से। अब आप इसको क्या करिए, इस मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करिए, तो 1 मीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी सेंटीमीटर प्रियांशु बेटे? है ना, 100 सेंटीमीटर, 100 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा, 40 divided by 150। तो आप देखिए जब एक डेसिमल प्लेस है यहाँ पर, तो इस डेसिमल को हटाना होगा, तो 10 यहाँ से घट जाएगा, तो 150 हो जाएगा। तो व्हाट इज द रेशियो, 4:15 इज द आंसर, 4:15 आ गया। 40 सेंटीमीटर का 1.5 मीटर से रेशियो है 4:15।
देन इट इज 55 पैसे का 1 रुपीज से, रेशियो ऑफ 55 पैसा, 55 पैसे का 1 रुपी से, रुपी 1 से आप रेशियो निकालिए तो 55 पैसे अपॉन रुपी 1, तो 1 रुपी में 100 पैसा, ये भी पैसे में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यूनिट जब सेम हो गई तो आप सही रेशियो आप पाएगा, दोनों की आपस में कैंसिल हो गई, 5 से 11 टाइम्स, 5 से 20 टाइम्स, तो ये आया 11/20, तो रेशियो आ गया 11:20। ओके, आई रिक्वेस्ट ऑल द पार्टिसिपेंट्स टू म्यूट देयर माइक्रोफोन, काइंडली म्यूट योर माइक्रोफोन। ओके, देन डी पार्ट आप कर लेंगे, डी पार्ट को अपने आप कर लेंगे बेटा आप लोग, जल्दी से अपनी नोटबुक में सॉल्व करिए। अब चैट बॉक्स में इसका आंसर लिखिए, चैट बॉक्स में इसका आंसर, 500 ml का 2 लीटर से रेशियो। रेशियो ऑफ 500, सर एक बार दिखाओ क्वेश्चन, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, रेशियो ऑफ 500 ml टू 2 लीटर, ठीक है, देखो स्क्रीन पे दिख रहा होगा, रेशियो ऑफ 500 मिलीलीटर टू 2 लीटर, जल्दी से बताइए क्या आया आंसर। ओके भूपेंद्र सिंह, योगेश गंडी, ओके 1:4 ठीक हो गया, वेरी गुड, 5 × 5 = 22, 1:4 इज द आंसर, 1:4 ठीक हो गया। बस आपको ये ध्यान रखना है कि किसका रेशियो किससे निकालना है, ठीक हो गया। अगर मान लीजिए यहां पर लिखा होता 2 लीटर का, अगर आपको 2 लीटर का रेशियो निकालना होता 500 ml से, तो उस केस में हम क्या करते, 2 लीटर अपॉन 500 ml ऐसा करते हैं, तो 2000 मिलीलीटर अपॉन 500 मिलीलीटर, तो इस चीज को ध्यान में रखना है, तो 4:1 आ जाता उस केस में। आपको ये चीज ध्यान रखना है किसका, हमको 500 ml का रेशियो निकालना है तो वो न्यूमरेटर में रखा हमने, ठीक, और किससे निकालना है 2 लीटर से, तो 2 लीटर को डिनोमिनेटर में रखा आपने, इस चीज को याद रखना है, दोनों में डिफरेंस है, ये डिफरेंस हमेशा याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं, इन अ ईयर सीमा अर्न्स, सीमा कितना अर्न करती है, सीमा अर्न्स कितना रुपीज बताइए, 1,50,000 है, और कितना सेव करती है, सीमा सेव्स, 1.5 लाख रुपया कमाया उसने और बचाया कितना, 50,000, बिल्कुल ठीक, 50,000। अब आप मुझे बताओ सीमा ने स्पेंड कितना किया है, फिर सीमा ने 1,50,000 कमाया, 1,50,000 बिल्कुल ठीक, 1 लाख आ गया, बहुत सही। अब आपको देखना है क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइंड द रेशियो ऑफ सीमा अर्न्स मनी दैट सीमा अर्न्स टू मनी सी मनीषी सेव्स। आपको ए पार्ट में फाइंड करना है रेशियो ऑफ मनी, रेशियो ऑफ मनी अर्न टू सेविंग्स, सेविंग्स का अर्न, तो अर्न किया कितना, 1,50,000 इज द करेक्ट आंसर, 3:1 आ रहा है बेटा, है ना, अर्निंग का सेविंग 3:1 आएगा, ठीक हो गया, आप इसको ठीक करिए, देन पुट योर माइक ऑफ नाउ प्लीज, रेशियो ऑफ सेविंग टू स्पेंड मनी ये पूछा है सेकेंड में। हमने स्पेंट मनी निकाल लिया था, कैसे निकाला था, 1.5 लाख में से हमने सेविंग घटा दी, तो इतना खर्च हुआ, इसका मतलब 1 लाख रुपया खर्च हुआ है, तो रेशियो निकालिएगा आप बड़ी आसानी से। अच्छा सॉरी मैंने गलत लिख दिया, सेविंग 50,000 है ना,
सेविंग 50,000 है और 1 लाख है। आंसर बेटा आप चैट बॉक्स में लिखना शुरू करिएगा, चैट बॉक्स में लिखिए, म्यूट माइक ऑन करने से गड़बड़ हो जा रहा है। ठीक है, 50,000 से कितनी बार गया भैया, 5 5 5 2 10, तो 1:2 बिल्कुल सही आंसर है योगेश गंडी। ठीक हो गया, इस तरह से करना है। ठीक, तो ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है बच्चों क्वेश्चन, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है क्वेश्चन अभी तक के क्वेश्चन। देन सॉल्यूशन ऑफ द 9th क्वेश्चन, योगेश गंडी बेटा क्वेश्चन को पढ़ो एक बार। चलिए कोई बात नहीं, मैं पढ़ लेता हूँ। देर आर 102 टीचर्स इन स्कूल ऑफ 3,300 स्टूडेंट्स, फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ टीचर्स टू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। रेशियो ऑफ नंबर ऑफ टीचर्स टू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो आप क्या कर देंगे, नंबर ऑफ टीचर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, जिससे रेशियो निकालना है, दैट विल टू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दैट विल कम इन द डिनोमिनेटर। तो नंबर ऑफ टीचर्स 102 डिवाइडेड बाय 3,300, तो आप देखिए 3 से कैंसिल होता है। देखिए सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ नंबर 1 + 0 + 2 इज 3, सम ऑफ डिजिट्स ऑफ दिस नंबर 3 + 3 = 6, तो बोथ आर डिवाइडेड बाय 3, तो ये 3 से कैंसिल होता होगा। 3 3 = 9 बचा 1, 3 4 = 12, देन 3 से आंसर लिख दिया है किसी ने पहले ही, वेरी गुड। तो फिर 2 से 2 × 17 2 × 2 = 50, बिल्कुल सही आंसर लिखा है योगेश गंडी, 17:55 17:550। ठीक हो गया, बस आपको कैंसिल आउट करना है और सिंपलेस्ट, सबसे सिंपलेस्ट जो आएगा फॉर्म वो फॉर्म में आपने रखना होगा। अब इसमें कोई और नंबर कॉमन नहीं है जो कैंसिल हो सकता है दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, 17:550। ठीक हो गया, ओके। देन क्वेश्चन नंबर 10, इन अ कॉलेज आउट ऑफ 4,320 स्टूडेंट्स 2,300 आर गर्ल्स। ठीक है, टोटल स्ट्रेंथ कितनी है स्कूल कॉलेज की, टोटल स्ट्रेंथ है 4,320, नंबर ऑफ गर्ल्स जिसमें है 2,300, तो नंबर ऑफ बॉयज निकाल लेंगे हम बड़ी आसानी से। नंबर ऑफ बॉयज हम क्यों फाइंड कर रहे हैं, क्योंकि देखिए नंबर ऑफ बॉयज का भी रेशियो फाइंड करना है, तो इनको सब्ट्रैक्ट करिए, तो 1020 और 2020 जी शुड बी 2020, ओके करेक्ट, 2020 ने बॉयज है। बस अब आपको जो पूछा है फटाफट से रेशियो निकालते रहिए। ठीक है, 115:216, ये सॉल्व कर रहे हो योगेश या केवल ऐसे ही आंसर बता रहे हो ओरली, चैट बॉक्स में बताओ आप इतनी जल्दी सॉल्व कैसे कर रहे हो। तो रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स, ओके वेरी फास्ट हो रहे स्टूडेंट्स, तो बड़े फास्ट है भाई, क्या बात है। गर्ल्स का टोटल स्टूडेंट्स है 2,300 गर्ल्स हैं, टोटल स्टूडेंट्स हैं 4,320, एक जीरो यहाँ कैंसिल हुआ, फिर ये 2 से कटेगा 115 टाइम्स और ये 216 टाइम्स, तो ये आया 115:216। सेकेंड वाले का आंसर बताओ फिर, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ बॉयज टू नंबर ऑफ गर्ल्स, नंबर ऑफ बॉयज 2,020, नंबर ऑफ गर्ल्स 2,300, बताइए फिर। ओके ओके योगेश, ठीक है, ये वाला क्यों नहीं आया, अभी तो आसान ही है, बॉयज का नंबर 2,020 डिवाइडेड बाय गर्ल्स का नंबर 2,300, एक जीरो कैंसिल कर लीजिए और ये 101 टाइम, 2 से कैंसिल कर लीजिए, 101:115। इसी तरह से आपको फाइंड करना है लास्ट वाला भी, रेशियो ऑफ बॉयज
टू टोटल स्टूडेंट्स टू जीरो टू जीरो डिवाइडेड बाय 4320 101:216 आया। देखिए ठीक हो गया से कैंसिल हुआ ओके योगेश वेरी गुड आलोक वेरी गुड ठीक है भूपेंद्र वेरी गुड ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 जस्ट लाइक प्रियांशु वाज आस्किंग इफ एनीवन हैज अ डाउट यू कैन आस्क एनी टाइम इन बिटवीन द क्लास आल्सो नो नीड टू वरी अबाउट दैट। नहीं आता है तो पूछो बेटा क्योंकि कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। ओके गुड समझ में आना चाहिए बात। क्वेश्चन नंबर 11 आउट ऑफ 1800 स्टूडेंट्स इन ए स्कूल टोटल स्टूडेंट्स हैं 1800 इसमें से 750 बास्केटबॉल पसंद करते हैं या बास्केटबॉल चुनते हैं 800 लोग क्रिकेट को चुनते हैं और जो बाकी बचे वो टेबल टेनिस पसंद करते हैं। तो अगर आपको पूछा जाए कि टेबल टेनिस खेलने वालों की संख्या कितनी है तो टोटल जितने स्टूडेंट्स हैं है ना टोटल स्टूडेंट्स आपके पास हैं 1800 नंबर ऑफ बास्केटबॉल लवर्स या नंबर ऑफ बास्केटबॉल स्टूडेंट्स लिख देते हैं चलिए 750 नंबर ऑफ क्रिकेट स्टूडेंट्स हैं क्रिकेट खेलने वाले स्टूडेंट्स हैं कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्लेइंग क्रिकेट इज 800 तो बाकी बचे हुए टेबल टेनिस खेल रहे हैं तो नंबर ऑफ टीटी स्टूडेंट्स टेबल टेनिस स्टूडेंट्स कितने होंगे टोटल 1800 में से आप घटा दीजिए बास्केटबॉल खेलने वालों की संख्या और क्रिकेट खेलने वालों की संख्या घटा दीजिए 1800 माइनस 1550 घटाइए तो कितना आया 250 आया 250 आया 250 आ गया ठीक। अच्छा अब आपको जो पूछा है वो करते रहिए रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स सब कर लिए मैंने सर बास्केटबॉल टू टेबल टेनिस बेटा आपने किया है बाकी लोगों को भी तो करने का मौका देंगे ठीक है। 0 से 0 कैंसिल 25 बन जाए 25 25 3 75 3 अपॉन 1 यानी कि 3:1 आया। सेकंड पार्ट रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑप्टेड क्रिकेट 800 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑप्टिंग बास्केटबॉल 750 एक जीरो कैंसिल हुआ तो ये आया 80/75 आया ना तो 5 से 16 आया। थर्ड पार्ट है रेशियो ऑफ स्टूडेंट्स बास्केटबॉल स्टूडेंट्स टू टोटल स्टूडेंट्स ये फाइंड आउट करना है। बास्केटबॉल स्टूडेंट्स हैं आपके 750 डिवाइडेड बाय टोटल स्टूडेंट्स इज 1800 एक जीरो कैंसिल हुआ 5 से 15 times 5 3 जा 15 रिमेंस 3 5 6 जा 30 तो 15:36 15:129 कैसे आया बेटा योगेश मेरे समझ में नहीं आया 5 जा 15 5 जा 30 इतना ही आ रहा है मेरा तो आंसर क्रॉस चेक करिए इस आंसर को ठीक हो गया अलौकिक सही आ रहा है ये आंसर 15:36 टाइप यस और नो इन द चैट बॉक्स। फाइव रेशियो ट्वेल्व मृदुल कौन से वाले का 5:12 आया बेटा मृदुल माइक ऑन करके बताओ 5:12 सी वाले का 5:12 कैसे आ रहा है देखो ये आया ना 750/1800 टोटल स्टूडेंट से निकालना है ना
तो आप देखिए 1 0 कैंसिल हुआ है ना, 5 से 15 टाइम्स, और 5 से 5 से 15, 180 को देखिए 5 से डिवाइड करिए, 5 3 जा 15 बचा 3, 30 हुआ, 36, 15 रेशो 36 आ रहा है बेटा, इसको आप करेक्ट करो। योगेश आल्सो इज सेइंग 5 इज इक्वल, बास्केटबॉल खेलने वालों की संख्या का टोटल स्टूडेंट से निकालना है, बास्केटबॉल वाले 750 हैं, टोटल स्टूडेंट्स के बाद ये दोनों भी तो सिंपलीफाई हो रहे हैं सर, ये दोनों 3 से हो रहे हैं। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, बिल्कुल ठीक है, मेरी ही गलती है, ठीक हो गया सर, तभी हमारा सब 5 15 से 5। ओके वेरी गुड, ठीक है मेरे ही ध्यान से हट गया, ठीक है बेटा, ठीक है ऑल आर करेक्ट, ठीक हो गया, वेरी गुड, 15:12 ठीक आ रहा है आंसर। आगे के ध्यान से हट गया ये 3 5 15 3 से 36 टाइम्स, ओके ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, अब इस तरह का क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में जरूर आता है, इस तरह का क्वेश्चन। ओके तो कॉस्ट ऑफ डजन पेन्स, डजन का मतलब क्या होता है बेटा? 12 जो आइटम्स कहते हैं डजन, कॉस्ट ऑफ डजन पेन्स, डजन मींस 12 पेन्स, कहने का मतलब 12 पेन, 12 पेन का कॉस्ट आया ₹180। आपको देखो एक और चीज दिया है, कॉस्ट ऑफ 8 बॉल पेंस का कॉस्ट ₹56 दिया है। अब आपसे ये क्या पूछ रहा है एक्चुअली, उसके आधार पे सॉल्व करिए इसको, फाइंड द रेशियो ऑफ कॉस्ट ऑफ अ पेन, एक पेन का एक बॉल पेन की कीमत से। तो पहले तो आप यहाँ निकालिए एक पेन की कीमत, 12 पेन की कीमत 180 है, ₹180 है, तो कॉस्ट ऑफ वन पेन विल बी 180 डिवाइडेड बाई 12, कितना आ जाएगा? ₹15 आ गया। कॉस्ट ऑफ 8 पेन्स इज 8 बॉल पेन्स इज 56, तो कॉस्ट ऑफ 1 बॉल पेन कितना आया बताइए? 15:7, ठीक हो गया, 56 डिवाइड बाय 8 ₹7। तो अब आप निकाल सकते हैं रेशियो जो पूछा है, निकाल लीजिए, एक पेन का और एक बॉल पेन का प्राइस निकाल दिया है, रेशियो ऑफ कॉस्ट ऑफ ए पेन, ए पेन मींस 1 पेन, टू कॉस्ट ऑफ अ बॉल पेन, सिंपल सा है, 15:7 डायरेक्ट लिख दिया मैंने ऐसे, ठीक हो गया, इस तरह से कर लेना है इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 13, ओके, कंसीडर द स्टेटमेंट, व्हाट डज द स्टेटमेंट सेज, कि रेशियो ऑफ ब्रेथ एंड लेंथ ऑफ अ हॉल इज 2:5, व्हाट इज गिवन, ब्रेथ रेशियो लेंथ किसी बॉल का, बॉल नहीं असल में हॉल है, ठीक है, किसी हॉल का रेशियो ब्रेथ और लेंथ में 2:5 है, यानी कि ब्रेथ अपॉन लेंथ इज इक्वल टू 2/5 है, ऐसा समझ सकते हैं। तो कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल दैट शोज सम पॉसिबल ब्रेथ्स एंड लेंथ्स ऑफ द हॉल, ब्रेथ अगर 10 है तो विड्थ, तो लेंथ आपको 25 लेनी पड़ेगी, देखिए आप 10/25 को सॉल्व करके देखिए, सिंप्लीफाई करेंगे तो 5 2 10, 5 से 25 टाइम से गया तो 2/5, तो इसी तरह से यहाँ पर सोचना होगा कि 2/5 में लाना है, उसका इक्विवेलेंट रेशियो फाइंड करना है, कि यहाँ पर क्या आना चाहिए कि रेशियो 2:5 रहे, क्या कहने का मतलब है, कुछ इस तरह से बन गया है क्वेश्चन, इस तरह से, तो यहाँ 5 times 10, तो इसलिए यहाँ भी 2 times 10 होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 20, बिल्कुल सही। 2/5 शुड बी इक्वल टू 40/what, तो व्हाट इज रिलेशन बिटवीन द न्यूमरेटर्स, 2 × 20 times इज 40, तो डेफिनेटली 2 times 20 is 40, तो 100, जितना मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में करने पर आ रहा है उतना ही डिनोमिनेटर में भी तो आएगा, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस में आपने किया तो है,
पांच गुणा बीस कितना हो गया, सौ, तो यहाँ पर आएगा हंड्रेड नॉट 75। आप चेक करो ना, अगर आप 75 लिखेंगे तो 5 8 40 5 8 upon 15 आ जा रहा है ना, ठीक है नहीं। जब आप इक्विवेलेंट रेशियो निकालते हैं, इक्विवेलेंट रेशियो निकालते हैं तो जितना टाइम्स न्यूमरेटर है उतना ही टाइम्स डिनोमिनेटर होगा, तभी तो ये इक्वल होंगे, तभी तो इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म 2.5 ही आएगा, ठीक हो गया। तो क्वेश्चन को इस तरह से कर सकते हैं, 40/100 ठीक हो गया। योगेश, क्षितिज, ओके, वन लास्ट क्वेश्चन, वन लास्ट क्वेश्चन फॉर द क्लास टुडे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक्चुअली। डिवाइड दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन यू वुड हैव डन, आप लोगों ने जेएनवीएसटी के एग्जाम में भी किए होंगे, ठीक है। डिवाइड 20 पेंस बिटवीन शीला एंड संगीता एंड थ्री रिशु, ठीक हो गया। डिवाइड 20 पेंस बिटवीन शीला एंड संगीता, तो आप लिखेंगे रेशियो ऑफ पार्ट ऑफ शीला, शीला रेशियो पार्ट, रेशियो पार्ट ऑफ शीला इज 3, रेशियो पार्ट ऑफ फॉर संगीता इज 2। तो ये कहने का मतलब है कि 20 को सिर्फ ऐसे बांटना है आपने, तो आप लिखेंगे क्या, नंबर ऑफ पेंस विद शीला, नंबर ऑफ पेंस विद शीला फाइंड करना हो तो आप क्या कहेंगे, रेशियो पार्ट अपॉन सम ऑफ रेशियो पार्ट्स, इस तरह से किया जाता है, अपॉन सम ऑफ रेशियो पार्ट्स इनटू टोटल पेंस, ऐसे सम ऑफ रेशियो आप निकालिए, सम ऑफ रेशियो पार्ट्स 3+2 कितना हो गया, 5 पार्ट्स हो गया है ना, टोटल 5 पार्ट्स में से 3 पार्ट शीला का है और 2 पार्ट संगीता का है। तो अगर शीला के पास कितने पेन होने चाहिए वो निकालना हो तो रेशियो पार्ट शीला का है 3 डिवाइडेड बाय 5 इनटू 20, 5 से 4 टाइम्स कैंसिल हुआ तो कितना आ गया, शीला के पास 12 पेन्स आ गए। अगर आप संगीता के पास कितने पेन है वो निकालना चाहते हैं, नंबर ऑफ पेन्स विद संगीता निकालना चाहें तो कैसे निकाल सकते हैं, एक तरीका तो ये है कि रेशियो पार्ट 2/5 × 20, या सीधा सीधा कहिए ना टोटल पेन्स 20 हैं, उसमें से 12 पेन शीला के घटा दीजिए तो 8 पेन है उसके पास,